किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, धान की फसल को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए किसान फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि इसका किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। कल्ले अधिक फूट रहे हैं, जड़ें गहरी फैल रही है, फसल में फंगस का आक्रमण कम हो रहा है, दीमक और रस चूसक कीट भी फसल से दूर रह रहे हैं। फिटकरी को लेकर किसानों में काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, किसान इसे लेकर काफ़ी प्रश्न भी करते हैं। प्रश्नों में जैसे किसान पूछ रहे हैं कि क्या फिटकरी देने से मिट्टी का पीएच मान घट बढ़ जाएगा, या मिट्टी का कितना पीएच मान हो जब हम फसल को फिटकरी दें, एक एकड़ खेत के लिए कौन सी फिटकरी कितनी मात्रा में लें, क्या हम फिटकरी का इस्तेमाल किसी उर्वरक के साथ कर सकते हैं, फसल को फिटकरी हम कितनी बार दे सकते हैं, क्या हम फिटकरी का स्प्रे कर सकते हैं, क्या हम फिटकरी के साथ नमक दे सकते हैं, क्या फिटकरी देने से धान के पौधे से अधिक कल्ले फूटते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं, दीमक कीट का कंट्रोल हो सकता है। तो आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों, पहला प्रश्न यह है कि क्या फिटकरी देने से मिट्टी का पीएच मान घट बढ़ जाता है, या मिट्टी का कितना पीएच मान हो जब हम धान की फसल को फिटकरी दें। किसान भाइयों, धान की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में रहना बढ़िया माना जाता है, लेकिन यदि मिट्टी का पीएच मान 5 तक है तो भी हम धान की खेती कर सकते हैं। यदि मिट्टी का पीएच मान 8.5 तक है तो भी हम धान की खेती कर सकते हैं। यदि मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम है तो मिट्टी को अम्लीय माना जाता है, और मिट्टी का पीएच मान यदि 7.5 से ऊपर है तो क्षारीय माना जाता है। फिटकरी में खटास होता है, इसलिए मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा सकता है, इसलिए से ज़्यादा अम्लीय मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीएच मान में और कमी हो सकती है। यदि आपके मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच में है तो आप 1 से लेकर 2 किलो प्रति एकड़ की दर से फिटकरी फसल को दे सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मिट्टी की शक्ति में वृद्धि होगी। दूसरा प्रश्न है कि 1 एकड़ खेत के लिए कितनी मात्रा में कौन सी फिटकरी लें। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ धान की फसल के लिए 1 से लेकर 2 किलो फिटकरी ले सकते हैं। फिटकरी में आपको सफ़ेद वाली फिटकरी लेनी है, जो वर्तमान समय में किराना की दुकान पर 40 से लेकर 50 रुपये प्रति किलो की दर से मिल जाती है। तीसरा प्रश्न है कि क्या हम फिटकरी का इस्तेमाल किसी उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो फिटकरी का इस्तेमाल सिंगल या किसी उर्वरक के साथ मिलाकर बिल्कुल कर सकते हैं। उर्वरक न होने की स्थिति में रेत में मिलाकर भी छिट्टा लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि धान की फसल में फिटकरी कितनी बार दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान की पूरी फसल अवधि में 30 दिन के अंतराल पर 2 बार फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी का असर भी फसल में ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। पाँचवा प्रश्न है कि क्या हम अपनी धान की फसल में फिटकरी का स्प्रे कर सकते हैं। तो बता दूं कि फिटकरी एसिटिक होती है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में फिटकरी का स्प्रे नहीं किया जाता है। ज़्यादा मात्रा में फिटकरी का स्प्रे करने पर पत्तियाँ झुलस भी सकती हैं। यदि फिटकरी का स्प्रे करना चाहते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में फिटकरी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है कि क्या हम फिटकरी के साथ नमक दे सकते हैं। तो किसान भाई, वो फिटकरी के साथ नमक देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि मिट्टी को नमक नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए अधिक मात्रा में नमक देने से खेत बंजर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि क्या फिटकरी देने से कल्ले अधिक फूटते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं, दीमक जैसे कीट का प्रकोप कम होता है। तो किसान भाई, वो फिटकरी भी एक तरह का फर्टिलाइजर ही है, इसके इस्तेमाल से फंगस, बैक्टीरिया और दीमक जैसे कीट भी फसल से दूर रहते हैं, जड़ें स्वस्थ रहती हैं, जड़ें गहरी फैलती हैं, जिससे फसल को अधिक पोषण मिलता है और फसल का संपूर्ण विकास होता है, और पौधे से अधिक कल्ले भी फूटते हैं। फिटकरी से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाई, इसमें 2 राय नहीं है कि फिटकरी एक फायदे अनेक। बहुत से देश के किसान कई वर्षों से धान की फसल को फिटकरी देकर अच्छा लाभ उठा रहे हैं, और अन्य किसानों को भी फिटकरी इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। तो किसान भाई, वो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।